और है इलेक्ट्रॉन बेल्ट। जहां तक थोड़ी बहुत हमें नॉलेज है वो तो ठीक, लेकिन अभी इलेक्ट्रोपैथी से क्या लेना देना है? इलेक्ट्रोपैथी इज द साइंस ऑफ हर्बल मेडिसिन यूज्ड इन कंजेशन विद द थ्योरी ऑफ बायोएनर्जी। एक मेडी साहब की बुक थी, वहां से मैंने कॉपी पेस्ट करा। बायोएनर्जी, बायोएनर्जी क्या होती है? ह्यूमन के बॉडी के अराउंड चलने वाली एनर्जी, उसको हम बायोएनर्जी बोलते हैं। इलेक्ट्रो मीन्स एनर्जी, होम्यो मीन्स सिमिलर, पैथी मीन्स सफरिंग गाइडेड बाय लॉन्ग रिवर प्रिंसिपल। इलेक्ट्रोपैथी इन्वॉल्विंग रेमेडीज फॉर वेरियस नॉन टॉक्सिक। जितना काम पता मेरा काम का चीज नहीं यहाँ पे, थ्योरी ऑफ बायोएनर्जी। हर ह्यूमन बॉडी एनर्जी को छोड़ती है और लेती है। डिजीज में हमारी एनर्जी वेस्ट होती है, निकलती है, और हमारे में कैपेबिलिटी नहीं रहती है कि हम उस चीज को रिटेन कर सके। इसलिए ये जो मेडी की बुक थी उनमें ये लिखा हुआ कि बायोफील्ड में जो रहता है बायो एनर्जी हमारी बॉडी से चली जाती है, और उसी को अगर हम ऐसा कोई टेक्निक लिए उसी को हम स्कैन कर लें कि आपकी बायो एनर्जी क्या बता दे, तो आपका पास्ट और आपका फ्यूचर सब बता दे। एक ऑरा, उसी का नाम। अगर हम ऑरा को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, हम देखते हैं कि भगवान की फोटो देखते हैं पीछे बहुत बड़ा चक्र रहता है, या जीसस का चक्र हम फोटो देखते हैं तो उनके पीछे प्रकाश रहता है, वो और कुछ नहीं, वो ऑरा है। जितना ज्यादा ऑरा होगा उतना ज्यादा लोग उनसे प्रभावित होंगे। अब बहुत अच्छा व्यक्ता है, बहुत अच्छा बोल रहा है, आप सुन रहे हैं, लगन से सुन रहे हैं, मतलब मेरा ऑरा आपका कनेक्ट हो रहा है। अब इसको हम मेडिकली कैसे कम करेंगे? थोड़ा ऑरा स्कैनिंग बेस्ड ऑन बायो फीडबैक टेक्नोलॉजी कैलकुलेशन कैप्चर द ह्यूमन एनर्जी फील्ड। ह्यूमन एनर्जी, वही चीज जो इलेक्ट्रोपैथी में हमको मिल रही थी। इलेक्ट्रोपैथी बायोफील्ड ह्यूमन एनर्जी के आसपास थी, और ऑरा जो स्कैनिंग है वो भी ह्यूमन एनर्जी फील्ड से रिलेट कर रहा है कि हम ऑरा स्कैनिंग से ह्यूमन की एनर्जी फील्ड को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा और डेफिनेशन थोड़ा और रखेंगे। अब साइंटिस्ट यूज टर्म बायोफील्ड टू डिस्क्राइब द रेडिएंट एनर्जी विच सराउंड द लिविंग थिंग्स। किसी भी लिविंग थिंग, कोई एक जरूरी नहीं कोई जिंदा आदमी में भी ही ऑरा हो, बहुत बार नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी, नॉन लिविंग थिंग्स में भी सॉरी एनर्जी होती है, बायोफील्ड एनर्जी होती है, अपना ऑरा खुद का होता है। अब आपको डेफिनेशन दिखाने से पहले या उस सॉफ्टवेयर से अवगत कराने से पहले थोड़ा सा मैं उसको सिंप्लीफाई कर दूं कि आप उसमें क्या क्या चीजें देख सकते हैं। कोई भी ह्यूमन बीइंग होता है तो उसमें ऑरा प्रकाशित होता है, हम ऑरा कलर्स के फॉर्म में देखते हैं। ये जो कंप्यूटर है ये आपको कलर्स के फॉर्म में ऑरा को दिखाता है। अब एक आदमी के कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत सारे हो सकते हैं, नहीं बोलते एक चेहरे पे चेहरा है, ये आपका अलग चेहरा है, घर पे अलग चेहरा होगा, ऑफिस में अलग चेहरा होगा। वो चेहरा नहीं होता है, वो आपका ऑरा होता है जो आपको सिंप्लीफाई करता है, आपको डिस्क्राइब करता है कि हम फैमिली मेंबर के साथ में हैं तो बहुत खुल मिल गए हैं, जहां ही कोई बाहर आपको जाना पड़ा आप एकदम घुमसुम से बैठ गए, मेरा काम नहीं है, शेखर जी बहुत आराम से चुपके से बैठ जाते हैं, वो किसी से लेना देना नहीं रखते, लेकिन जब वो फॉर्म में आता है तो सबको चुप करा देते हैं, उनको नहीं बोलना तो किसी से नहीं बोलते, ये उनका ऑरा है। दो प्रकार के ऑरा उनके, हर इंसान के अलग ऑरा होता है। तो मैक्सिमम हम तीन ऑरा इस स्कैन से हम कर सकते हैं, अलग अलग कलर्स में। कलर्स हमें बहुत सारी चीजें बताती हैं। चक्रस, ऑरा और चक्रा का क्या रिलेशन है? हम जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी हैव सेवन चक्रस स्टार्टिंग फ्रॉम द रूट टू द टॉप ऑफ द हेड। ये सात चक्रस कहीं ना कहीं ह्यूमन बॉडी से रिलेट करते हैं। बॉडी मीन्स ऑर्गन्स, ऑर्गन से कहीं ना कहीं रिलेट कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं ये तीन मूर्ति चक्रा की, यहां पे जो रहता है सिंपली फॉर्म में, तो ये आपके मस्तिष्क से रिलेट करेगा, आपका रूट चक्र आपकी लोअर बॉडी से रिलेट करेगा, सेक्सुअली ऑर्गन से रिलेट करेगा। नेवल में जो चक्रा है आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम से रिलेट करेगा, और उसी में अगर हम देखेंगे खराबी पकड़ ले तो हम आगे की चीजें को समझा सकते हैं, समझ सकते हैं, डिजीज को पकड़ सकते हैं इस चक्रा के थ्रू। और साथ ही साथ में ऑरा भी उनको बता रहे कि एनर्जी है नहीं है, पॉजिटिव है नेगेटिव है।
ये सात चक्र ऐसे क्राउन, थर्ड आई, थ्रोट, हार्ट, सोलर प्लेक्सस, सैक्रल और रूट। मधुरा चक्र रूट का रहता है, सबसे शक्तिशाली चक्र रहता है, यही हमको धरती माँ से जोड़ता है। जितने ज्यादा हम जमीन से जुड़े रहेंगे उतने ज्यादा हमारा क्राउन चक्र जुड़े। इसके बाद सैक्रल आ जाता है, सोलर प्लेक्सस आपका कलर जो आपको शो करता है वो वाइब्रेशन भी हमने स्टमक में लिखा है। अब ये ऑरा स्कैनिंग जो हम लाए हैं, ये जो टेक्निक है ये इस तरह पे काम करती है। कैंडल्स फोटोग्राफी है। निकोला टेस्ला हुए थे एक साइंटिस्ट जिन्होंने निकोला टेस्ला कैमरा बनाया था, वो कैमरा ऑरा को देख सकता था, वो एक साइंटिस्ट, उन्होंने साइंटिफिकली इसको करा हुआ है। ये जो प्रोडक्ट है ये जापानीज मेड प्रोडक्ट है, यूएसए में सोल्ड आउट होता है और इसी के थ्रू हम लोग हमारा जो काम है इस थ्रू में काम करें। देखिए ये है तो बेसिकली आपके फ्यूचर बार सब चीज बताने वाले, लेकिन हमारे तरीके से अगर देखा जाए एक इलेक्ट्रो होम्योपैथ डॉक्टर की तरह देखा जाए तो बहुत काम की चीज है। अब अगर कोई भी ऑरा के ऑरा साइंटिस्ट के पास जाएंगे ऑरा डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो ये चीजें बताएगा कि आप इन सब चीजों को करिए तो आपका ऑरा ठीक होना शुरू होगा, आपके अंदर एनर्जी का फ्लो बढ़ना चालू होगा और कम से कम 6 महीने लगते हैं ऑरा को चेंज होने में। आपके कैरेक्टर को चेंज होने में 6 महीने लगेंगे, एक दिन में आप कैरेक्टर चेंज नहीं कर लेंगे, 21 दिन फिर भी आदत बदलने में लगती है, हमको तो हमारा कैरेक्टर बदलना है तो वो हमको चेंज करना है।